गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। आज हम आपके चैप्टर फोर का पार्ट का नाम है बहस, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इसमें बुद्धि और भाग्य के बारे में बताया गया है कि दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है, पढ़ते हैं। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य कहता कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ और बुद्धि कहती कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उनका झगड़ा इतना बढ़ता जा रहा था कि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक बार बुद्धि और भाग्य का आपस में बहस होने लगा, बातचीत होने लगी, लड़ाई होने लगी कि बुद्धि कहती मैं बड़ी हूँ और भाग्य कहता कि मैं बड़ी हूँ, और दोनों में से कोई शांत नहीं हो रहा था। तभी एक गरड़िया अपनी भेड़ों के साथ उधर आ निकला। गरड़िया मतलब चरवाहा, वह अपनी भेड़ों को चराने जा रहा था। आगे आगे गडरिया चला जा रहा था और पीछे पीछे भेड़। भाग्य और बुद्धि थोड़ी देर के लिए अपना झगड़ा भूलकर उसे देखने लगे। भाग्य और बुद्धि नाम के जो दो लोग थे, लोग नहीं थे, बस उनको लोग के रूप में इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है कि आपको यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो दोनों अपना झगड़ा भूल गए और गरड़िया चूँकि जो जा रहा था उसे देखने लगे शांत हो करके। गरड़िए के थोड़ा आगे जाते ही बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हें अपने आप पर बहुत गर्व है। किसने कहा? बुद्धि ने भाग्य से कहा कि तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। यदि तुम इस गरड़िए को राजा बना दो, मैं भी तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूँगी। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती को स्वीकार कर ली। उसने गर्व से कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा तो काम है राजा को रंक और रंक को राजा बनाना। मैं इसे भी राजा बना दूंगा, ठीक है। बुद्धि द्वारा भाग्य को ललकारना कि तुम इस गरड़िए को जो है क्या कर दो कि मतलब दिखाओ अपने भाग्य का कमाल, तो मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाऊंगी, बुद्धि बोली, ठीक है। जो भाग्य थी वो भी घमंड में आ गई और कहे कि हाँ देखना, मैं इस गरड़िए को राजा बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं राजा को अमीर, गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम हूँ। गरड़िया अभी थोड़े ही आगे बढ़ा था कि उसे हीरे जवाहरात की जूतियाँ दिखाई दीं। तब उसने जूतियाँ पहन ली और फिर बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई। गडरिया एक पेड़ की छाया में बैठकर भुने चने और गुड़ खाने लगा। इसके बाद वह विश्राम के लिए छाया में लेट गया। भाग्य क्या की? चमत्कार की। उसके आगे हीरे जवाहरात की जूतियाँ जो है वह चमत्कारिक रूप में से डाल दी। तो वह क्या किया, उन महंगी जूतियों को पहनकर बांसुरी बजाने लगा और बहुत ही मगन हो गया। थोड़ी देर चलते चलते दोपहर हो गई, ठीक। तो दोपहर में क्या होता है, आदमी लंच खाना पीना खाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, आराम करता है। तो वह भी क्या किया, भुना हुआ चना और गुड़ खाया और थोड़ी देर वहीं पेड़ के नीचे लेट गया जहाँ छाया थी। तभी एक विदेशी व्यापारी उस मार्ग पर आया। उसने गरड़िए के पाँव में इतनी महंगी बहुमूल्य जूतियाँ देखी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह अपने काफिले के साथ वहीं रुक गया और गरड़िए से बात करने लगा। व्यापारी का एक जो है पूरा ग्रुप, एक समूह उधर से जा रहा था, तो वह देखा कि चरवाहा जो है इतनी महंगी जूती पहना हुआ है। उसे बहुत ही क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे एक इतना चरवाहा मामूली गरड़िया इतनी महंगी जूतियाँ पहन सकता है। तो वह उससे बात करने लगा, ठीक है। बातों बातों में वह जान गया कि गरड़िया बहुत भोला है और इन जूतियों की कीमत का अनुमान उसे नहीं है। व्यापारी के कहने पर गरड़िया ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियों एक बोरे गेहूं में बदले में दे दी। व्यापारी बहुत चालाक था, वह समझ गया कि गरड़िया जो बहुत है वो सीधा साधा है। मैं इसको बुद्धू बना करके इसकी जूतियाँ ले लेता हूँ और इसके बदले में मैं इसे एक बोरा
गेहूँ अनाज दे देता हूँ। गरड़िया चूँकि एक मामूली इंसान था, वह एक बोरी क्या कहते हैं अनाज पा करके उस व्यापारी को अपनी जूते दे देता है, कीमती जूते। और जूतियाँ मिलते ही वह व्यापारी वहाँ से चल पड़ा। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य की ओर हंसा और मतलब देखा और हंसने लगी। व्यापारी को जूती मिल गई, बुद्धू बना करके वह आगे बढ़ दिया। तो बुद्धि क्या हुई, भाग्य पे हंसने लगी कि देखो तुम उसे अमीर बनाई थी, लेकिन वह क्या किया, फिर से गरीब बन गया। वह इतना बुद्धू है, उसके पास बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, वह अपने भाग्य को भी संभाल नहीं सका। व्यापारी उन जूतियों के लेकर बादशाह के पास गया। उसने वे जूतियाँ बादशाह को भेंट की। इतनी बहुमूल्य और सुंदर जूतियाँ पाकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, ये जूतियाँ तुम्हें कहाँ से मिली हैं? व्यापारी उस जूती को लेकर बादशाह राजा के पास गया और उसे क्या किया, उपहार में उन जूतियों को राजा को दे दिया। राजा इतनी कीमती जूती पाकर बहुत खुश हो गया। उसने उस व्यापारी से पूछा कि अरे इतना महंगा जूता तुमको कहाँ से मिला है भाई, ठीक, क्योंकि इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, ये बहुत कीमती है। व्यापारी सच बात बताना नहीं चाहता था। वह कैसे कहता कि जूतियाँ तो उसने एक मूर्ख गरड़िये को ठककर प्राप्त की हैं। उसने इतना कहा कि ये जूतियाँ मुझे एक राजकुमार ने भेंट की हैं, मैंने इन्हें आपके ही योग्य समझा, इसीलिए इन्हें आपको भेंट कर दिया, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। व्यापारी कैसे बताता कि भैया हम तो इसको ठग करके लेकर के आए हैं उस गरड़िये से, क्योंकि राजा क्या करता, फिर उसको सजा दे देता व्यापारी को, ठीक है। तो वह कहा क्या कि मैं ये जूतियाँ मुझे एक राजकुमार ने दी हैं, मुझे उपहार में दी हैं, और मुझे लगा कि इन जूतियों को मुझे आपको उपहार में देना चाहिए, और आप इस देश के राजा हो तो आपको तो ज़रूर यह उपहार में कीमती जूती मुझे देनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको दिया है। हे राजा, हे बादशाह जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कौन बोला, व्यापारी बोला राजा से बादशाह से। बादशाह ने सोचा कि जो राजकुमार इतनी बहुमूल्य जूतियाँ पहनता है वह निश्चय ही किसी समृद्ध देश का राजकुमार होगा। राजा सोचा कि इतनी महंगी जूती जो राजकुमार किसी व्यापारी को दे सकता है तो पक्का वह बहुत ही संपन्न देश का राजकुमार होगा, उसका राज्य बहुत ही अमीर होगा, समृद्धशाली होगा, भरा पूरा होगा, उसके राज्य में चारों तरफ क्या होगी, जो है संपन्नता होगी, क्यों ना मैं उस राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दूँ, ठीक है। उसने अपने मन की बात व्यापारी को बताई, तुरंत राजकुमार के पास जाने को कहा। राजा ने क्या कहा कि हे व्यापारी, तुम उस राजकुमार के पास जाओ और उसे मतलब मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि बादशाह का हुक्म वो क्या सोचने लगा, क्योंकि वह तो जूती एक साधारण से गरड़िये की थी, अब वो राजकुमार को कहाँ से लेके आता। बादशाह का हुक्म मानकर वह चल दिया, वह पर राजकुमार को कहाँ से लाए। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि गरड़िया देखने में सुंदर है, यदि उसे राजसी वस्त्र आभूषण पहना दिए जाएं तो वह राजकुमार सा लगेगा। व्यापारी सोचा क्यों ना उस गरड़िये को ही मैं राजकुमार बना करके राजा के पास ले आऊं, क्योंकि वह देखने में गरड़िया बहुत ही खूबसूरत था, ठीक। और शहजादी से यानी राजकुमारी से उस गरड़िये का अगर विवाह हो जाएगा तो मुझे उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही, यह सोच करके वह निकल पड़ा। व्यापारी ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को साथ लिया और गरड़िये की खोज में चल पड़ा। गरड़िया उसी जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था, वह वैसी ही दूसरी जूतियां पहने हुए था। उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और बोला, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे? व्यापारी हंसने लगा और कहा, हाँ मैं खरीदूँगा। वह गरड़िया
उसी जंगल में उसे मिला जिस जंगल में उसने व्यापारी ने उसको ठगा था। और व्यापारी ने क्या देखा कि वह भेड़ों को चरा रहा है और वैसे ही खूबसूरत जूती पहने हुए है। व्यापारी को देखते ही गरड़िए को याद आया कि क्यों ना मैं इसको अपनी जूती बेच दूं और फिर इससे मैं एक बोरा अनाज खरीद लूं जिससे मेरा काम चलेगा। व्यापारी ने अपने सेवकों को संकेत दिया कि वह गरड़िया को पकड़ ले। थोड़ी ही देर में उसे राजसी वस्त्र आभूषण से सजाकर व्यापारी के पास ले आए। व्यापारी ने इशारा किया कि तुम इसको पकड़ करके इसको सजा धजा करके राजकुमार बनाकर मेरे पास ले आना। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे ऐसे भारी भरकम वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए हो, मेरी भेड़ें कहाँ गईं। गरड़िया डर गया। ठीक है, गरड़िया क्यों डर गया, अचानक से कोई इसे बिना कुछ बताया समझाया ही नहीं और उसे राजा वाला वस्त्र पहना दिया, राजकुमार वाला, और उसकी भेड़ों को भी इधर उधर पता नहीं कहाँ हाँक दिया। ठीक है, तो वह घबरा गया। इधर ये सारा भाग्य और बुद्धि यह सारा तमाशा देख रहे थे। जब यह सब देखकर बुद्धि हंसने लगी तो भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो, देखो अब यह राजा बनने जा रहा है। भाग्य ने क्या कहा कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, अब यह गरड़िया राजा बन जाएगा। बादशाह को गरड़िया पसंद आ गया। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। यह धूम धड़ाका देख कर गरड़िया बहुत घबराया हुआ था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक से किसी गरीब इंसान का विवाह एक अमीर मतलब राजकुमारी से हो जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। वही गरड़िये के साथ हुआ, वह एक सीधा साधा इंसान था और उसका विवाह जो है ज़बरदस्ती एक राजकुमारी के साथ हो रहा था, इसीलिए वह बहुत ही घबरा गया था और देख करके उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही रात हुई, गरड़िये ने खिड़की से कूद कर भागने की ठान ली। खिड़की काफ़ी ऊंची थी, वहां से कूद कर गरड़िये की मौत निश्चित थी। यह देख वह जैसे ही कूदने के हुआ, बुद्धि चिल्ला उठी। देखो, गरड़िये के साथ ये सब ऑन स्पॉट अचानक ये सब जो हो रहा था, इससे वह घबरा गया और उसने सोचा कि मैं इस खिड़की से रात होने पर भाग जाऊंगा कूद करके। लेकिन चूंकि खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी, अगर वह कूदता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। यह देख करके बुद्धि जो थी वह चिल्लाने लगी और भाग्य से कहने लगी कि देखो देखो, जिसको तुमने राजा बनाया वह तो मौत के मुंह में जा रहा है, मरने जा रहा है, ऊंची खिड़की से कूदने जा रहा है, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। यह देखकर भाग्य ने अपना सिर पीट लिया। उसने खींच कर कहा, हे भगवान, कैसा मूर्ख से पाला पड़ा है, अच्छा तुम इसे सम्राट बना दो, मैं हार मान लूँगी। तब जो है भाग्य एक चाल चली, मतलब एक अपनी बुद्धि लगाई कि मैं तो क्या कहते हैं इसको राजा बनाना चाह रही थी, पर ये तो महामूर्ख है, ये तो मरने के लिए तैयार है। एक काम करो बुद्धि, तुम अपने विवेक से अब इसको राजा बना दो तो मैं हार मान जाऊँगी। बुद्धि उसी क्षण गरड़िये के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। क्या हुआ, प्रवेश कर गई, यानी कि उस गरड़िये के पास बुद्धिमानी चली आई। गरड़िये ने खिड़की से नीचे झांका और सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है, यदि मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे, अर्थात इतनी ऊंची खिड़की से कूद करके मैं मर जाऊंगा, क्यों ना मैं इस राजकुमारी का सहजादा ही बना रहूं, इसका पति बना रहूंगा और सुख से इसके साथ रहूंगा। ठीक है, शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत पसंद था और वह बांसुरी सुना करती थी। गरड़िया धीरे धीरे राजकाज में रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों में बहुत व्यवहार कुशल बन गया और निपुण हो गया, यानी कि वह बहुत अच्छा राजा बन गया। राजा उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। अब वह गरड़िया सचमुच राजा बन गया। बुद्धि ने भाग्य की ओर हंस कर देखा। भाग्य बड़ा शर्मिंदा हो, उसे वह अनुभव हो गया कि बुद्धि के बिना भाग्य कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात बुद्धि जो है वह भाग्य से बड़ी है। लाख किसी को राजा बनाना चाहो, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, अपना सारा चीज खो देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।